रुको, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ गए तुम? कहाँ गए थे? मैं बात कर रही हूँ, तुम अंदर जा रहे हो। कहाँ गए थे? किसी को बता के गए थे? इधर खड़े हुए मैं बात कर रही हूँ, किसको बता के गए थे? सारा दिन बताते नहीं हो किसी को। मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, जाओ जाके पढ़ाई करोगे। मुझे लगता है इसको हॉस्टल में दे देना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल में ये ठीक रहेगा इसके लिए। आशीर, हॉस्टल से भाग गए हो क्या? तुमने सारे खानदान में मुझे शर्मिंदा कर दिया है। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल भी पढ़ लिया करो या कभी दुआ भी कर लिया करो। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं बेटा? मैं तो ठीक हूँ आंटी, वो असल में ना आशीर की तबीयत कल रात से काफी खराब है। आशीर? क्या हुआ आशीर को? वो असल में आंटी, उसने यहाँ पर नशा करना शुरू कर दिया है। नशा? उसने कब से नशा करना शुरू कर दिया? तुमने किसी के बारे में नहीं सोचा, ना तुमने मेरे बारे में सोचा, ना तुमने अपने बाप के बारे में सोचा। सारी जिंदगी पर बात कर ली तुमने अपनी। मैं भी इसको यही समझाता था आंटी, मगर ये किधर सुनते हैं। नहीं, अब इसको सुनना पड़ेगा, इसके बगैर हमारा क्या होगा? इसे किसी के लिए कुछ सुना ही नहीं। अब जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, सबके लिए एक परेशानी है। जल्दी हो जाएगा, हम इसके साथ हैं। अब इसको सारी आदतें छोड़नी पड़ेंगी अपनी। सब चीजें छोड़े और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। इसको कितनी दूर से हमने ट्रेनिंग करने के लिए भेजा, ये यहाँ पे ये करता रहा हमें पता ही नहीं।
बस आप दुआ करो समीर बेटा कि ये जल्दी ठीक हो जाए। जरूर, सुन लिया। समीर किधर होता है आजकल? यार वो आपको बताया नहीं था ना कि वो काफी दो दिनों से बिजी है चर्च के कामों में। हाँ हाँ, चलेंगे कल, देखेंगे कौन आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बनेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बनेगा। गुलशन भी सामने से हट जाएगा। चलो यार चलते हैं, भाई साहब दुआ कर ले फिर चलते हैं। जब भी दुआ के फौरन बाहर निकलो। आए सब दुआ करें खुदा से कि खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा किस लिए, आपके इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। सब दुआ करें खुदा से। खुदूस मेहरबान जिंदा आसमान बाप, हम तेरे जोर झुकते हैं, तेरे नाम को जोर जलाल देते खुदा। तू जो अजीम खुदा, खुदा तेरे से मिन्नत की दुआ करता हूँ कि अपने लोगों पर जाहिर करके तूने इनको इस दुनिया में भेजा किस मकसद के लिए, इनकी ज़िंदगी से तू अपना काम क्या करवाना चाहता है, कैसे करवाना चाहता है। और मैं आप सबको बताता हूँ कि खुदा मेरे साथ बात कर रहा है और खुदा कह रहा है कि इधर एक लड़का है, यंग लड़का पिंक शर्ट में, तो वो गुनाहों में फंसा हुआ है। और खुदा कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि वो गुनाहों से तौबा करे और मेरी तरफ रुजू लेके आए। जैसे बाइबल में भी लिखा है, तुम मेरी तरफ रुजू लाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊंगा। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, सब दुआ करें खुदा से, पूछे खुदा ये कलाम किसके बारे में कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कोई हो। खुदा मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ गुनाह अदाए किए, आज मैं तुझसे सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दे ताकि मैं अपनी ज़िंदगी तेरे मुताबिक गुजार सकूँ। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने अपने बेटे को नई ज़िंदगी दी है, तूने उससे कलाम किया। और खुदा मैं तेरा कदम होते हुए तेरे से मन्नत की दुआ करता हूँ, खुदा अपने बेटे को फजल दे के वो तेरी दीवी राहों पे चले और उससे तेरा नाम इज्जत उछाल कर। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।